दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनायस ऑनलाइन हब में, और मैं विक्रम प्रत्येक अपडेट के साथ बना रहता हूँ। तो आप सभी शिक्षकों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि एक बड़ी ही अपडेट निकल के आ रही है। जो आप थंबनेल में देख रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है, आपको नोटिस भी दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि जो भी DL.ED पढ़ चुके हैं और जिनके भी रिजल्ट्स में AB, SY, CI, AB या NC शो हो रहा है, तो आप किसी भी अनजान आदमी को या कोई भी यूट्यूबर आपको कहता है कि मैं आपके रिजल्ट्स को सुधार दूंगा, तो आप उनके बातों में ना आए। क्योंकि दोस्तों, आपका जो है इस तरह का डाटा जो है हैंग हो सकता है। और कुछ दिन पहले जो आप सुने होंगे कि पेटीएम के माध्यम से 400 रुपये का जो है आप पे कीजिएगा तो आपका जो है रिजल्ट सुधार हो जाएगा, तो उस पर जो है NIS ने जारी कर दिया लेटर कि ये जो है ऑफिशियली तरीके से ये नहीं है, ये कुछ दलाल जो है। अभी NIS जब से DL.ED आया है, बहुत सारे ऐसे भी जो है दलाल पैदा हो गए हैं कि टीचरों को जो है ठगने का नई नई योजना बना रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स, कोई भी हो, मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी जो है आपने शेयर नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। अगर कहते हैं कि हम आपकी जीरो मतलब कोई भी पैसा नहीं लेंगे, आपका सुधार देंगे रिजल्ट्स, तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि जो है रिजल्ट्स में सुधार हो रही है, और रिजल्ट्स में जो है ऑटोमेटिक सुधार हो रही है। हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो दिखाएंगे, या आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरा जो है नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो के कमेंट्स, सभी कमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक कमेंट्स दिखेगा कि कोई सर कहें कि सर मेरा जो है रिजल्ट्स NC क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन आप जो अगर तब उसने रिप्लाई दिया कि सर मेरा जो है NC क्लियर हो गया और ये जस्ट ही हुआ है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग घबराएं नहीं, आपका रिजल्ट जो है सुधर के आएगा, लेकिन आप जो है हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी ना करें। और कोई भी DL.ED प्रशिक्षुक जो है अपनी डाटा को शेयर नहीं करेंगे, कोई भी किसी को भी शेयर नहीं करेंगे। तो हमारी ओर से यही गुजारिश है कि आप जो है एक शिक्षक होने के नाते आप किसी भी अनजान आदमी को अगर कोई कहता है कि मैं NIS का जो है ऑफिसियर अधिकारी हूँ, तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर कोई ऑफिसरी अधिकारी होता है तो आपको जो है इस तरह का जो है बार बार जो है आपको नहीं कहेगा कि हमें आप जो है ये सेंड कर दीजिए, आपके रिजल्ट सुधार देंगे। और जो है कोई अगर कहता है तो आप उनकी बैच और ID दिखाने जरूरी बोलिए कि आप अगर NIS का जो अगर आप ऑफिशियल अधिकारी हैं तो आप जो है बैच दिखाइए अपना और अपना जो है ID दिखाइए। दोस्तों, आप सभी से इस वीडियो को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक तो फॉरवर्ड करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे आप देखे थे कुछ दिन पहले जो है पेटीएम के थ्रू से जो बिहार में बहुत सारे जो शिक्षक इसका शिकार बन चुके हैं, तो उसमें आपका पैसा भी इन्वेस्ट गया दोस्तों, और आपका जो है डाटा भी हैक हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे अभी नया यूट्यूबर ऐसे ऐसे आ गए हैं जो कि अभी DL.ED प्रशिक्षक को सीधा मतलब निशाना बनाए हुए हैं। तो मैं आप सभी इस वीडियो के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों तक शेयर करने का कोशिश करें, क्योंकि NC जो है अपने आप सुधार हो जाएगा दोस्तों। अगर आप जो है अपडेट कर दिए हैं तो आपका जो है NC अपने आप सुधार हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, ना ही आपको रीजनल सेंटर जाना है, ना आपको डॉक्यूमेंट देना है, कुछ नहीं करना है। आपका जो ऑटोमेटिक खाली आपका जो है सक्सेसफुली आपका हो गया है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। NC का सुधार हो रहा है, और हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रूफ भी दिखाएंगे। अगर विश्वास नहीं होता है तो मेरे नीचे कमेंट्स किए हैं एक सर, प्रीतम सर हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर कि सर ने कमेंट किए हैं कि सर मेरा NC जो है सुधर के आ गया है। तो आप लोग इस तरह का घबराएं नहीं, और NC में सुधार हो रहा है, और किसी भी फेक बातों में ना जाएं, यही इस वीडियो में माध्यम और जो अब अपडेट देने वाला हूँ, अपडेट पर बने रहें। और अपडेट में ही अपडेट यही है कि जो भी अनट्रेंड पारा शिक्षक या शिक्षा मित्र है उनको हटाया जा रहा है,
अगर उनको हटाया जाएगा तो उसके जगह में ट्रेन शिक्षक की बहाली होगी और ट्रेन शिक्षक जो है वो डीएलएड प्रशिक्षक की वहाँ पर बहाली होगी। तो दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूँ न्यूज। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 अध्यापकों के शिक्षण कार्य के अलावा दूसरा काम नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री की भर्तियाँ जो है बंद की जाएगी, यानी जितने भी शिक्षा है उसमें बंद किया जाएगा और जो भी अनट्रेन पारा शिक्षक है, ये भले ही पुराना न्यूज है लेकिन आपको जो है ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन आपको जो अभी इसके बाद दिखाने वाले हैं वो जो है लेटेस्ट अपडेट आया है और ऑफिशियली है और जो है सभी को आदेश दिया गया है और ये डायरेक्ट ही हेड ऑफिस से आया है। तो दोस्तों उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूरी प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह का अनायास से पल पल लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह का देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा मित्रों की जो यहाँ पर भर्तियाँ बंद होगी, भर्ती बंद होगी तो वहाँ पर जो है डीएलएड प्रशिक्षक को यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। चलिए ऑफिशियल नोटिस आपको दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक नोटिस निकल के आ रही है और ये नोटिस जो है डायरेक्ट ही हेड ऑफिस से निकल के आ रही है 24/6/2019 को, और ये जो नोटिस निकल के आ रही है झारखंड से निकल के आ रही है। इस तरह का आपके भी जो है रीजनल सेंटर या कोई भी आपके राज्य में इस तरह का नोटिफिकेशन निकलती है तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको नोटिफिकेशन दी जाएगी। दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और आप नीचे में कमेंट करके बताएं कि आप किस रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं और किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ताकि इस तरह का लेटेस्ट अपडेट आए तो आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेषक उमा सिंकर झारखंड शिक्षा परियोजना, और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नोटिस निकल के आई है ये 24/6/2019 का है और ये कल ही ये आया है नोटिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड शिक्षा परियोजना और ये झारखंड का लोगो है, पत्रांक संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेषक लिखा हुआ है उमा शंकर सिंह, झारखंड प्रदेश राज्य शिक्षक सेवा में सभी शिक्षा पदाधिकारी जिला, और यहाँ पर देख सकते हैं सब झारखंड के जितने भी जिले हैं इसको जो है भेजने का यहाँ पर आदेश दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं सेवा में यहाँ पर विषय जो लिखा गया है अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के संबंध में, यानी जो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर शिक्षा मित्र और पारा शिक्षक की जो है वहाँ टीचर लिए जाते हैं, तो उनको जो अनट्रेंड है वहाँ पर उसको जो हटाया जाएगा और उसके जगह में डीएलएड प्रशिक्षकों को जो है उसमें रखा जाएगा। उसमें देख सकते हैं महाशय उपरोक्त विषय अंकित करना है कि भारत सरकार पत्रांक इतना दिनांक 3 इतना तक अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को प्रशिक्षित प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया था। दोस्तों जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये जो डीएलएड कोर्स आरंभ हुआ था 2017-19 के सेशन में आरंभ हुआ था और ये जो कहा गया था कि अगर 31 मार्च 2019 तक कोई भी अनट्रेंड पाया जाता है, सरकारी रहे या प्राइवेट रहे, तो उनको जो है अपने पद से हटाया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अनायास से डीएलएड करने वाले अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि डीएलएड का जो है अंतिम परिणाम 22 मई को ही आ गया है और इसमें अगर जो शिक्षक का जो अनट्रेंड पाया जाएगा उसमें जो है उसकी सेवा जो है उसकी हटाया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अनट्रेंड परीक्षा, यहाँ पर अनायास द्वारा डीएलएड परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों को दिया गया और इसमें सभी जानते हैं कि इसका जो है परीक्षा परिणाम 22 मई को आ गया है। निर्देश किया जाता है कि अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के संबंध में निम्नलिखित इस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं अगर कोई भी अनट्रेंड पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद लिखा गया है कि अनायास से डीएलएड करने वाले अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों से उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की प्रति 3 दिनों के अंदर जिला परियोजन में जमा किया जाएगा। अगर वो अनट्रेंड है तो उसके पास जो है डीएलएड का सर्टिफिकेट नहीं होगा। अगर सर्टिफिकेट अगर नहीं जमा करते हैं 3 दिनों के अंदर जिला परियोजना कार्यालय में तो उनको जो है अपने डीएलएड अपने पद से हटाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है तत्काल प्रभाव से मानदेय भुगतान हेतु केवल उत्तीर्ण शिक्षकों के प्रमाण पत्र प्रति जिला कार्यालय उपलब्ध कराने के राज्य परियोजना कार्यालय इतना कि अवलोकन मानदेय पीईएम पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अगर वो अपने जो है डीएलएड सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं
तो जो है उसको जो है मानदेय नहीं मिलेगा जो कि इस पोर्टल पर उन लोग का उपलब्ध कराया जाता है। तो इस उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों द्वारा जिला कार्यालय को डीएलएड उत्तीर्णता प्रमाण पत्र प्रति नहीं उपलब्ध कराने की स्थिति में अप्रशिक्षित माना जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर जो शिक्षक यहाँ पर पारा या शिक्षा मित्र अगर डीएलएड उत्तीर्णता प्रमाण पत्र नहीं दिखाते हैं उसको अप्रशिक्षित माना जाएगा। अगर अप्रशिक्षित माना जाता है तो उसको जो है अपने अपने जो है पद से हटाया जाएगा। हटाने पर जो है डीएलएड प्रशिक्षु का यहाँ पर भर्ती होगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि अप्रशिक्षित रह गए पारा शिक्षकों को भारत सरकार उपरोक्त के अवलोकन पद मुक्त करने का नियकुल कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाएगा और उस पर जो है अप्रशिक्षित पाना पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो न्यूज निकल के आई है ये देख सकते हैं रांची राज परियोजना उमाशंकर जो झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक हैं ये लेटर जारी किया गया है। तो इस तरह का देख सकते हैं ये लेटर जो है ऑफिशियली है। तो इस तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल पर बने रहे। कोई भी अपडेट आती है आपकी भी राज्य की तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूरी बताएं आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। मिलते हैं किसी नए अपडेट में।